students, I'm Priya. Let's study articles today. Firstly, we will discuss what are articles. Articles are used to point out or refer to nouns. A, an, and the are called articles. Again, I am going to repeat this definition. Articles are used to point out. Students, articles को point out करते हैं, किसको refers करते हैं? Nouns को. A, an, and the are called articles. Now, we will discuss types of articles. There are two types of articles. First one is indefinite article. Indefinite articles, and second one is definite articles. Now, what are indefinite articles? Indefinite
वॉवल से हो रही है बट साउंडिंग, जब उसकी साउंड किससे आ रही है, कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल अ वन रुपी नोट, अ वन रुपी नोट। वन इज स्टार्टिंग विथ ओ बट वी हैव नॉट पुट एन बिफोर बिकॉज क्या है, साउंडिंग कैसे आ रही है स्टूडेंट, ई आ रही है, तो देन हमने क्या पुट किया, साउंडिंग स्टूडेंट्स कैसे आ रही है हमारी वो वन, तो देन हमने क्या पुट किया, ए पुट किया, क्योंकि क्या है वो इज नॉट अ वोवल साउंड वर्ड, वो क्या है, वी क्या होता है स्टूडेंट्स आपका कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड। ओके एंड नाउ वेयर इज एंड यूज्ड, वेयर इज एंड यूज्ड, स्टूडेंट्स हम एंड कहां पर यूज करते हैं, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड, स्टूडेंट्स हम एंड कहां पर यूज करते हैं, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड, कौन सी साउंड आ रही है स्टूडेंट्स आपकी, वोवल साउंड आ रही है, वोवल वर्ड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, फाइव वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके क्या है वोवल्स हैं। अगर आप सेंटेंस में वर्ड की जो बिगनिंग है अगर आपके इन वर्ड से हो रही है देन आप क्या करोगे, एंड पुट करोगे। फॉर एग्जांपल एप्पल, और स्टूडेंट्स बिगनिंग किससे हो रही है, ए, ए इज द वोवल साउंड वर्ड, देन आप क्या पुट करोगे, एंड पुट करोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑरेंज, O is a vowel sound word, then आप क्या put करोगे, and put करोगे। Okay students, now come to the second rule. Also, before a word beginning with a consonant but sounding like a vowel, in second rule students also before a word beginning with a consonant, जो आपका word है beginning किससे हो रही है, consonant word से हो रही है, but sounding जब हम उसको pronounce कर रहे हैं उसके sounding किससे आ रही है, vowel आ रही है, साउंड देखनी होती है कि साउंड कैसे आ रही है, वो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड है या वोवल साउंड वर्ड है। ओके फॉर एग्जांपल एमबीए, अब स्टूडेंट्स इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं एम, एम इज द कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड, बट जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं देन वो कौन सा वर्ड आ रहा है, वोवल, ई, ई इज द वोवल साउंड वर्ड, देन स्टूडेंट हम यहां पर क्या पुट करेंगे, एम पुट करेंगे। ओके अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर ए पुट कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके एन इज करेक्ट एंड नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल डैश ऑनेस्ट मैन, स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, एच, एच इज द कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड, बट स्टूडेंट्स हमारा एच क्या होता है, हाइड होता है, साइलेंट होता है, हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ओ इज द साउंड कैसे आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, देन स्टूडेंट्स आप क्या पुट करोगे, एंड पुट करोगे। ओके स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स वेयर इज द यूज्ड, बिफोर अ वर्ड, बिफोर अ वर्ड denoting with a, before a word denoting with a particular person or thing, before a word denote, किसको denote कर रहे हैं student, with a particular person को and thing को, then आप क्या use करोगे, the use करोगे, for example
Let's go to the cinema. Then students, आपने क्या put करा? The put किया. And now come to the second rule. Before titles. Students, कोई भी titles आपको mention है, then आप वहाँ पर क्या put करोगे first? The great title से पहले students हम the put करते हैं. And come to the third rule. Before the names of